नमस्कार। आज जो विधि हम देखने जा रहे हैं यह एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट सभी जगह पर वर्क करेगी। टीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर रिबन को किस तरह से शो एंड हाइड किया जाता है। यहाँ हम सीखने वाले हैं कुल चार विधियों को जिनके द्वारा हम रिबन को गायब कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। चलिए जानते हैं हम कुछ विधियों को। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल बार के अंदर हमें दिखाई दे रही है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस छोटी सी गैलरी के अंदर सबसे लास्ट में हम देखते हैं मिनिमाइज द रिबन ऑप्शन को। यहीं से हम रिबन को छुपा सकते हैं। दोबारा आपको दिखाना है तो वहीं पर जाइएगा और यहां से वापस आप उसी ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा मिनिमाइज द रिबन, ये वापस से आ जाएगी। एक तरीका हम यहां पर देख चुके हैं, दूसरे तरीके से हम मिलते हैं तो देखिएगा। हम चलते हैं सबसे पहले होम बटन पर। होम बटन को हम क्लिक करेंगे यहां पर रिबन दिखाई देगी। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे इंसर्ट की रिबन दिखाई देगी। सेवन मेन्यू के अंदर से आप किसी भी मेन्यू पर माउस से डबल क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी रिबन यहाँ पर गायब हुई है या नहीं। मैंने यहाँ से माउस से डबल क्लिक किया और ये रिबन गायब हो गई। वापस लाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे और वापस आ जाएगी। अगर हम डबल क्लिक करने के बाद सिंगल क्लिक करते हैं तो वो कुछ समय के लिए हमारे पास आती है, हम वर्क करते हैं और वह गायब हो जाएगी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ये वापस ला सकते हैं। दूसरी विधि से भी हम देख चुके हैं रिबन को शो और हाइड करना। तीसरी विधि की हम बात करें तो इसी मेन्यू बार की पट्टी पर आप देखिएगा सबसे लास्ट में कुछ जगह आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर राइट बटन को क्लिक करेंगे हम और देखते हैं मिनिमाइज द रिबन ऑप्शन हमें दिखाई देता है। यहाँ से भी आप छुपा और दिखा सकते हैं। सबसे लास्ट विधि, अंतिम विधि को हम देखते हैं यहाँ पर, जो कि कंट्रोल बटन के साथ में फंक्शन की F1 को प्रेस करेंगे और यह छुपेगी और दिखेगी। कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाने पर यह हाइड हो जाएगी। वापस से इसी को रिपीट करते हैं और वापस से आ जाएगी। तो कुछ चार वीडियो को हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।